नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। बीजेपी बोली पाकिस्तान से केजरीवाल के लिए वोट की अपील। पूर्व पाकिस्तान मंत्री ने दिल्ली सीएम की फोटो पोस्ट की थी। लोकसभा चुनाव के 6ठे फेज की वोटिंग के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ वोट डाला, इसकी तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। इस पोस्ट को शेयर करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा, मैं कामना करता हूं कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। जिस पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है, आप अपने देश को संभालें। उधर दिल्ली में बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल के लिए पाकिस्तान से वोट की अपील की जा रही है। हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटाया। सोशल मीडिया पर तलाक की अटकलें। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टेनकोविक ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटा दिया है। सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक की अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तलाक लेने पर हार्दिक नताशा को अपनी संपत्ति का 70% हिस्सा देंगे। फिलहाल हार्दिक और नताशा की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया। एक्ट्रेस नताशा और हार्दिक ने 31 मई 2020 को शादी की थी। उसी साल 30 जुलाई को उनके बेटे अगस्त सिंह का जन्म हुआ। बिहार में मोदी बोले, विपक्ष मुद्रा करना चाहे तो करे, 1 जून को यहां 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पीएम मोदी बिहार और यूपी दौरे पर हैं। बिहार में उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, इंडिया अलायंस को वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उन्हें वहां जाकर मुजरा करना है तो करें। बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। बिहार की 8 और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। कांस में पहली बार भारतीयों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला सम्मान। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोलकाता की रहने वाली एक्ट्रेस अनुसुईया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया है। अनुसुईया को ये अवार्ड अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में फिल्म द शेमलेस में उनके परफॉर्मेंस के लिए मिला है। इसके साथ ही विकांस में इतिहास की पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस, आरोपी बोला पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया फिर तकिए से दम घोटा। भारत में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल आजिम की हत्या के मामले में सीआईडी को कोलकाता के न्यू टाउन फ्लैट से 600 ग्राम के सैकड़ों प्लास्टिक बैग मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी के मुताबिक उसने 15 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले सांसद को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाया फिर तकिए से दम घोट दिया। बाद में आरोपी ने चाकू और ब्लेड की मदद से उसके शव के टुकड़े किए। अनवारुल इलाज के लिए 12 मई को कोलकाता आए थे। 10 रुपए के 2 भारतीय नोट 2 लाख में नीलाम होंगे। 106 साल पहले डूबे जहाज पर मिले। लंदन में 106 साल पहले डूबे जहाज से मिले 10 रुपए के 2 भारतीय नोट की नीलामी की जाएगी। इनके 2,60,000 रुपए तक में बिकने की संभावना जताई गई है। नीलामी 29 मई को होगी। दरअसल 1918 में लंदन से मुंबई जाते समय एसएस शिराला नाम का एक जहाज डूब गया था। इस पर 213 लोग सवार थे जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 7 भारतीय थे। जहाज से मिले नोट पर 25 मई 1918 की डेट लिखी हुई है। इन्हें लंदन में नूनंस में फेयर नीलामी घर में बिक्री के लिए रखा जाएगा। चुनाव आयुक्त ने वोटर टर्न आउट पर हो रहे संदेह पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सच मान लिया, अब हमारी बारी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा, वोटर्स के बीच संदेह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ क्या खेल है, संदेह क्यों पैदा किए जाते हैं, हम एक दिन यह सामने लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को ECI की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटर टर्नआउट डेटा पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में 25 साल के मासूम को पटका फिर गला घोंट कर हत्या। आरोपी ने खुद भेजे मर्डर के वीडियो। राजस्थान में एक महिला के प्रेमी ने उसके 25 साल के बेटे की गला घोंट कर हत्या कर दी। उसे शक था कि वह किसी और से मिलने जाती और बच्चे को उसे सौंप जाती है। हत्या के बाद आरोपी ने मां को बच्चे को मारने वाला वीडियो भी भेजा। पोस्टमार्टम में बच्चे के सिर में फ्रैक्चर है और फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग दिखी जो गला दबाने के कारण हुई थी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग। महबूबा मुफ्ती समेत 3 पूर्व सीएम मैदान में।
2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्ण पाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। इस लिस्ट में महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल का नाम शामिल है। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट, राजस्थान में 15 मौत, भोपाल में गर्मी के कारण फ्लाइट नहीं उड़ी। आज 25 मई से नौतपा शुरू हो गया है, यह 2 जून तक रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए लू यानी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में गर्मी से 2 दिन में 15 मौत हो गई। भोपाल हैदराबाद इंडिगो की फ्लाइट शुक्रवार को 1 घंटे देरी से रवाना हुई। बाहर का तापमान ज्यादा होने से इंजन रेस्ट्रिक्टेड मोड में चला गया था। कश्मीर में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह 11 साल में सबसे ज्यादा रहा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। और लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?